सूबे में बिगड़ती विधि व्यवस्था और रुपेश हत्याकांड को लेकर सूबे के डीजीपी कल एसएसपी कार्यालय पहुंचे। डीजीपी ने एडीजी सीआईडी विनय कुमार, एडीजी ऑपरेशन सुनील खोपड़े, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार के अलावा पटना के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी के साथ लंबी बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण और रुपेश हत्याकांड के खुलासे को लेकर गहन चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि रुपेश हत्याकांड का जल्द खुलासा होगा। रुपेश हत्याकांड को डीजीपी ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया और दावा किया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी, हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सब के साथ बैठ के बहुत डिटेल में बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है,